एसपी न्यूज हरियाणा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप सभी दोस्तों को बता दें कि अब की बार कोरोना महामारी के चलते गीता जयंती महोत्सव पर दुकानें व किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम यहां पर नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कड़ा निर्देश दिया गया कि वे गीता जयंती पर घूमने फिरने जो भी लोग आते हैं मास्क पहनकर आए और सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें इंडियन केसरी न्यूज़ हरियाणा पर देख रहे हैं। धन्यवाद इंडियन केसरी न्यूज़ हरियाणा। गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीता के श्लोक के पाठ से, भगवान के स्मरण और कीर्तन से तथा आत्म तत्व में विश्रांति प्राप्त संत के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। आओ इस शुभ दिवस पर हम सब श्रीमद् भगवद् गीता के कुछ कल्याणकारी श्लोकों का पाठ करें। चौथा अध्याय श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। चौथा अध्याय श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। चौथा अध्याय श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः।